DDLJ सरसों का खेत सीन। Hey guys, welcome back to another creative video। तो आज हम आए हैं सुबह कुछ वीडियोस निकालने सिनेमैटिक और यहाँ पर कोरा ही कोरा, फिर भी देखते हैं क्या वीडियो बनती है क्या नहीं बनती है और मोबाइल से ही एडिट करेंगे। मैं DSLR भी लेकर आया हूँ, पर देखते हैं अगर कोई अच्छी वीडियो से भी निकलती है तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे अपनी सिनेमैटिक वीडियो में। और सिनेमैटिक वीडियो शूट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आपके कैमरा सेटिंग होना चाहिए, क्या कैमरा एंगल होना चाहिए, प्लस कैसे कलर ग्रेडिंग करना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको बैकग्राउंड में ब्लर भी चाहिए तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? DSLR में क्या होता है, जो हमारा सेंसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, पर मोबाइल का जो कैमरा होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो हमें बैकग्राउंड ब्लर इजीली नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं एक आपको लाइव व्यू दिखाता हूँ, अभी मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए तो आपको सब्जेक्ट एक छोटा चूज़ करना होगा और उसके आपको बिल्कुल करीब चले जाना है। जैसे कि ये मेरा सब्जेक्ट है एक फूल, तो अगर जैसे ही मैं इसके करीब आऊँगा तो आप देख सकते हैं इसने इस पर फोकस कर लिया। अगर नहीं भी होता है तो आप टच करके फोकस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट के पास में आएंगे तो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फोकस में हो जाएगा और आप बैकग्राउंड ब्लर देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं आपको एक डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ। पीछे आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी मैं इस पर स्विच करता हूँ और फिर आप इसका बैकग्राउंड ब्लर देखना कितना ज़्यादा अच्छा आएगा। बट यही प्रॉब्लम है कि हम इसमें स्लो मोशन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी 60 FPS में रिकॉर्ड करके और थोड़ा सा स्लो मोशन ऐड कर सकते हैं। बहुत गजब आ रहा है चचा, हाँ गजब का फील आ रहा है। अरे हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। तो अभी हम एक रिवीलिंग शॉट रिकॉर्ड करने वाले हैं। अभी हमारे पास ये एक पेड़ है फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में हमारी लोकेशन है। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं मैं इसे इससे रिवील करूंगा। पहले हमारे ये पेड़ दिखेगा, देन हम इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे की तरफ अपने कैमरे को और जो हमारी लोकेशन है वो रिवील होगी। तो अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ऑटो फोकस और एक्सपोजर है उसको लॉक कर लेना है हमारे लोकेशन पर। तो हमारी जो लोकेशन है वो भी बैकग्राउंड वाली है, तो मैं क्या करूँगा इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा जो हमारी बैकग्राउंड लोकेशन है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ऑटो फोकस है और ऑटो एक्सपोजर है वो लॉक हो चुका है। इसके बाद ही हम रिवीलिंग शॉट को रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम एक क्रेन शॉट लेने वाले हैं। ये हमारे पास एक मोनोपॉड और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मैंने एक गिम्बल माउंट किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट अपने फ़ोन को होल्डर लगाकर किसी भी स्टिक में या फिर मोनोपॉड में लगा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, वो हमारे पास एक आइकॉनिक सरसों का खेत जो कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा अक्सर। तो अभी मैं वहाँ पर एक क्रेन शॉट लेने वाला हूँ। मैं नीचे से राइज अप करूँगा अपने फ़ोन को, तो हम देखते हैं हमारा शॉट कैसा होने वाला है। अभी हम ऐसे ही एक लो एंगल शॉट लेने वाले हैं अपने गिम्बल को लगाकर। वैसे ये गिम्बल से बहुत ज़्यादा इजी इसलिए हो सकता है क्योंकि हम इसको जब लो एंगल करते हैं तो हम इजीली इसे वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मोबाइल हिलेगा नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आएगी। और अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि आपको अपनी वीडियो को कैसे स्टेबलाइज करना है, तो आप मेरी वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो क्यों ना एक यहाँ पर DDLJ वाला शॉट लिया जाए, क्या कहते हो? अरे मैं क्या बताऊँ, तो मैं जा रहा हूँ अब एक सस्ता शाहरुख खान बनने। पर मैं यार सीन भी भूल गया कैसे करता है वो, एक बार देख लेता हूँ यूट्यूब पर। क्या सीन था? DDLJ सरसों का खेत सीन। एक्शन।
तो एडिटिंग तो काफ़ी सिंपल है, आपको अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है और म्यूज़िक को इंपोर्ट करने के बाद अपनी बीट के हिसाब से वीडियो को कट कर लेना है। देन जो मेन पार्ट है वो है कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग पर भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपको डिटेल में जानना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमने बांध लिया भाई सही से खुद को, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह के आए हुए हैं, कुछ नाश्ता भी नहीं करा, थक भी गए भाग भाग के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सिनेमैटिक वीडियोस और रील्स डालता रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लो, सभी का यूज़र नेम सेम है @techabuzar, इंस्टाग्राम पर तो कर ही लो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।